नानी क्या कर रही है? नानी गेहूँ धो रही है। नानी गेहूँ साफ कर रही है। देखो पूछ रहे होगे मम्मा कर रही है। मम्मा इधर वो भी धोना है गुरु। मम्मा मम्मा को इतना जा रही लो मम्मा। ये भी वॉश करना है और अभी जिस पे गेहूँ डाला जाएगा उसके लिए नए न्यू धोती है उसको मैं वॉश कर रही हूँ। उसके बाद जिस गेहूँ में जाएगा इसे पीसने के लिए उसको भी वॉश करना है। अभी कैन यू होल्ड दिस? थैंक यू सो मच। आज धूप ही नहीं निकली है यार, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल धूप नहीं, एकदम ठंडी। मम्मी पानी भी लाऊं क्या? चलो ठीक है। बाल्टी उल्टा कर दे इसको, उल्टे से क्लिप में से लगा दे। ये किसका है? कर दो ना भाई। तो ये अभी क्या कर रही है पता नहीं, इसको शायद काट रहे हैं। तो नानी अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं क्योंकि बारिश का जैसा देखो वेदर है तो धूप नहीं होगी है तो जो कपड़े धोए गए हैं उसको से पानी निकाले। देख कितने पानी निकले। लग रहा है ये क्लाउड है, इधर से बारिश हो रही है। आपको मिलेंगे 5 दिन डेली ब्लॉग। बात का आज खरना, फिर पहली अरह, फिर दूसरी अरह, सब है ना, पता तो चलना चाहिए ना कैसे होता है जो बिहार से नहीं है। अब तो पूरे वर्ल्ड में होते। डबल करें कि सिंगल? डबल। क्या डबल या सिंगल? डबल डबल कर दे। ऐसा बता बगे ऐसा डबल पतला हो जाएगा। ऐसा डबल ऐसा होता है भाई, पहली बार पता चला मुझको। झूला जैसा लग रहा है झूला। पूरा मस्त तरीके से हो गया। अब ये गेहूं है जिससे कल ठेकुआ बनेगा, यू नो ठेकुआ फेमस थिंग इन बिहार। खाने की चीज है। हाँ। तो मैं तो नहीं खाऊंगी। क्यों? इसे जल दो, थोड़ा टेस्ट करूंगी। हां मैं बना बनाई थी। तुम हाँ तो बढ़िया है। मोबाइल छूते है काहे के लेके ये बात छोड़ दो। मैं कर आई हूं। अच्छी हूं मैं। घी घी के लिए बड़ा मजा आता है। मेरे हाथ बहुत काले हैं पता नहीं। देखो मेरा हाथ साफ। अब अगला बार से ना एक दिन पहले कर लेंगे। ये गेहूं धो लेंगे। हाँ कल धूप था होगा नहीं था? कल धूप कल तो था। क्या बनाई है मम्मी? वो इन धो के सुखा दी हूँ और कौवा को ये कर रही हूँ। हो गई यार डंडा लेके बैठी हुई है। कोई एक ग्रीन है इधर। नानी बोल रही है हमारे को। क्या बोल रही है गुना? नहीं 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 ब्लॉग
व्लॉग व्लॉग आज देखो गाइस वेदर कितना गंदा हो रखा है। आई थिंक आज बारिश होगी लेकिन गेहूं सूख जाए इतना ही है ना। देखो कितना ग्रीनरी है और कितना डार्करी है। हम क्या देखो और मच्छर ये मक्खी भी आ रहा है। हाँ। धूप रहता तो मक्खी नहीं आता। इस पे आ जाएगा बॉल। जल्दी से नहा आइए। इधर गेंद बॉल लेके नहीं आना है। डैडी भी नहीं आए थे। सब लोग छत पे आ गए हैं। आज थोड़ी टेंशन वाला सिचुएशन है। आपने किसका स्लीपर पहना? अब ये लेकर आए इधर मत आना जाना। नया चीज सबको शौक चल रहा है ना। इधर जाओ यहाँ से फिर नीचे प्लीज। ये क्या है पता है आपको? क्या है बताइए? उल्लू मत बनाओ ठीक है। कोई सट्टा नहीं। हाँ सुट्टा ही है। ये है स्ट्रॉबेरी डाला हुआ है और इलेक्ट्रिक है बस और कुछ नहीं। लेकिन गलत है जो भी है। जाओ यहाँ से नीचे जाओ। हाँ मम्मी का दिमाग खराब हो गया ना कि आपका हो गया। क्या लग रहा है मम्मी आज का सिचुएशन क्या है? धूप नहीं निकला है तो क्या सोच रही हो? सोच क्या रही हो? सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी फुर्सत मिल जाता लेकिन उनका दीनानाथ का हवा तो लगाना है गेहूँ में। देखो गाइस ऐसा वेदर हो रहा है कुछ एकदम क्लाउडी है स्काई और गेहूं सूख रहा है और उस लोटे में गंगा जल है। मम्मी डंडा लेके बैठी है। पापा अलग काम कर रहे हैं और ये पापा को परेशान कर रहे हैं। देखो हमारे घर के आजू बाजू कितना मस्त ग्रीनरी है। कैन यू सी दैट? मम्मी ने बहुत सारा प्लांट लगा रखा है। मैंगो के बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और यहाँ से दिखता है हमारा बालकनी। अब बनेगा खाने का सारा सामान। खाने का नहीं सॉरी कद्दू भात का मैं आधा आधा वो कर दूंगी। दीदी ने सारा कद्दू काट लिया है देखो। मम्मी से ये रहा बचके का। बचका क्या होता है? बेसन का भजिया। भजिया बट आज लहसुन प्याज नहीं खा सकते कुछ क्यों आई खा जा वो ब्लैक डैडी का बैग है ना। तो एक एक चीज दिखाती हूँ और जब बन जाएगा मम्मी खाएगी फिर ही कोई कुछ खा सकता है। बहुत सारे पिंपल आ गए हैं मुझे। ऑलरेडी मैंने सब कुछ दिखा दिया था। चना दाल ही बनता है आज और ये नमक और सारे चीज़ अनयूज होने चाहिए फ्रेश होने चाहिए और बिना नहाए नहीं टच करना है। ये रहा पापड़। पापड़ मम्मी नहीं खा सकती हम लोग खा सकते हैं। और सारा मसाला है। दाल बन गया सिर्फ इसमें छौंक लगेगा मस्त। और मैंने अभी तक कोई हेल्प नहीं करा मैं बस ब्लॉगिंग करने में बिजी हूँ। ये सब दीदी ने किया अब मैं करूँगी और फ़ोन को कहीं इधर उधर रख दूँगी। ये मेरी रेखा दी है मेरी गुरु और ये यहीं रहती हैं। कितने सालों से रेखा जी प्यार रह रहे हैं? ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। मैंने इनसे पढ़ाई करी है जो आज आपको दिख रही हूँ फैशन डिजाइनर। दीदी के कॉन्फिडेंस से मिला है मुझे। बहुत लोगों को प्रेरणा दिया है। हाँ बहुत लोगों को। तो रेखा दीदी भी छठ पूजा करती है। कोशिश रहेगा कि सबको और मैंने एकदम उच्च से उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो। ऐसा काम करो जिसमें सम्मान तो 24 आवर्स मिले। देखो हम लोग सारे उनके छोटे छोटे शिष्य हैं। शिष्य हेलो गाइस देखो ये मिलो मेरे भाई हैं जो सूरत में ही रहते हैं और अभी फर्स्ट टाइम इन देवघर 8 साल के बाद मिले राइट। ये पूजा रूम है। अभी मैंने होम टूर नहीं कराया। अच्छा कोई बात नहीं वो बहुत अच्छा है। ये गार्डन है। ओह प्यारा है। ये वो उस रूम का बालकनी है। बहुत बड़ा गार्डन मम्मी ने बना रखा है। वो पूरा अपना ही है उधर। वो पूरा वो रेखा दिखा ना। ओके ये पूरा अपना ही है। हाँ अपना उधर ही है पूरा। और है देखिए
वो जिधर जंगल है वो भी हमारा ही है। अच्छा, मतलब ये यहाँ से वॉल जहाँ से है ना। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे आप देखते हैं क्या बनाया जाए। अच्छा, अब एक ये रूम है जिससे आपको बालकनी दिख रही है। की मम्मी हॉल बनाई होगी। ये रूम है, इससे वो बालकनी अटैच है। अरे ये रूम पकड़ लीजिए, ये रूम जो है ना, यहाँ बेड की व्यवस्था ना। यहाँ झूला लगने वाला है, अभी लगवा दूंगी। यहाँ व्यवस्था ना, जो रात में रुकी गाय बाय हो जाएगा तो मजा आ देखो रात में रुकी आ। झारखंड वो है क्या? ड्राई सिटी है ना? ड्राई सिटी बिहार है, बिहार गुजरात। साला मेरा नसीब ही खराब है, गुजरात भी ड्राई है, बिहार भी ड्राई। तो हो गई, मैं उधर से लेकर आती हूँ ब्लॉग और आपको मम्मी खाई क्या? देखो इधर सारे बच्चे हैं, नाम बताओ। अमायरा, अनन्या, आयांश, उसी ने क्या नाम है आपका? रोगिया, मानवी, मानवी, शौर्य, शौर्य। इतने सारे बच्चे हैं। दीदी मम्मी खा ली? आप आराम करिए। अरे तुम चेयर क्यों नहीं ली? अरे आप आराम से खाइए, नल के पास खा रही हो। अरे आपको आराम से बैठ के खाना चाहिए था मौसी। मम्मी पास ला रही, बैठिए बैठिए खाइए। एक मिनट, चेयर ला रही। चेयर कहाँ गया? मौसी को कहाँ ले जाना? उसपे आउट गो यू जगीरा सारा रहा रहा देखो। स्टोर में बस ही जाए, स्टोर में बस ही जाए। रोज हो रहा है, अपने रोज हो रहा स्टार्ट हो। देखो ये क्या है, रोड बीच रोड पे की मौसी कहाँ जाएगी? हाँ टॉस कर देते हैं, वो बोलेगा। हाँ टॉस टेल टेल हेड हेड जीता वो लेके ले जाएंगे हम। अच्छा। नहीं जीता वो है तो फिर दादी गिर जाए। दादी को ले जाने का बहुत जोरों से चल रहा है। मेरे से चले ये उतर मकामा चली जाए, फिर मां को कहां से कौन ले जाएगा? अच्छा, ये है मेरी मां की बहन। अरे हम तो अभी स्वर्ग, अरे तो वहाँ से जाइए स्वर्ग में होते हुए ना। जाने दो, भगवान हमको कितना दे स्वर्ग में। जाने दो, हम ये जाएंगे। देखो कैसा कंपटीशन चल रहा है। हमको कितना टाइम लगेगा जाने में? हमको 30 मिनट लगेगा। मंदिर खाली रहता है ना? सूरत हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं मंदिर और रेडियो अपने रेड के पे ना कॉपी कैट। हम लोग मंदिर जाने के लिए सब रेडी हैं, काफी लेट हो चुका है बट चलो 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 फटाफट फटाफट। हमारे घर से मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, आधे लोग उधर पलटन बाज लोग उधर है। आ रहा सन्नी? नहीं आ रहा ना? चलो चलो चलो, क्या मस्त वेदर है ना। ब्लू क्लाउड, ब्लू घर, येलो घर, येलो घर। मेरे ब्लॉग में तो फर्स्ट टाइम आ गया है। ये है मेरा भाई, देखो कितना लंबा है। ये देखो लंबू कितना लंबा है। ये लोग पहले पहुंच कर टोटो ले लिया है। ये देखो एक को तो तू डिसाइड कर, चलो आप किधर बैठ रहे हो? ये भी पैदल आएंगे। लो बाजू में बैठोगे? हम गोदी में आ जाते हैं। या मम्मा की इधर आ आप इधर आप आ गए। ए मैंने मेरे बाबू यार चलो भी आप मेरे गोद पर बैठे हो। हम दोनों की गोद पे बैठे हैं। काफी टाइम के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर, काफी नहीं 2 साल के। गंगा जल पियो लो। हां जल लिए मम्मी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ है हमारे देवघर में। नानी बोली 26 है शायद। 12 ही है, 12 ही है। मंदिर के लेन में पहुँच गए, यहाँ से पैदल पैदल जाना है। और आज मे भी कम दिन होगा, इसलिए
चलते चलते, दूर तो नहीं है, हम लोग पीछे के साइड से आए ना इस बार। कितना कलरफुल दिख रहा है। वो कितना खूबसूरत एंगल दिख रहा है, आके लेके जाएंगे, इधर से जाना है ना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पीछे का है ना, नहीं नहीं ये जगह पीछे है। बैक साइड से हमने एंटर किया और मंदिर में एंटर कर लिया है। ये देखो वो रहा मेन, यहाँ पे पंडा जी लोगों से बच के रहना पड़ता है, वो बहुत उल्लू बनाते हैं। एक माला पहनाया 50 रुपए लाओ, एक चंदन लगाया 50 रुपए लाओ, फोटोग्राफर्स भी उल्लू बनाते हैं, तो इन सब से बच के रहना होता है। ये लो अभी मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या डीके बॉस, व्हाट आर यू सेइंग? ऑलरेडी इतना सारा फूल लेकर आए, फिर भी हमने फूल ले लिया। घर पे बहुत सारा फूल था, ये रहा फूल। भांग भी लिए, भांग। गंगा जल तो आप लेकर आए ना, मन में ओम नमः शिवाय। अब ये लेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ये आफी लोरा कछुए का रेस, अभी तो और लंबा जाना है, अभी और लंबा जाना है, इतना ही और है। धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। काफी पतली जगह है, मैं अट गई। लेकिन मंदिर में हम लोग जाने वाले हैं जो कि भोले बाबा का मंदिर है।
गठबंधन हो रखा और हाँ डे टू और चल रहा है खरना। मैं अंदर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने खा लिया है और अंदर नहीं जा सकते पूजा रूम में। खीर बन रही है, एक खीर ऑलरेडी बन चुकी है, दूसरी खीर बन रही है वो भी लोगों को खाने के लिए मम्मी बना रही है। और बनाना है चावल, आज खाते हैं चावल दूध केला, है ना मम्मी? कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? हाँ, और कहीं कहीं पे रोटी भी बनता है ना, पूरी हाँ, जैसा रोटी भी बनता है। अच्छा, हम लोग बनाते हैं चावल दूध केला गुड़ डाल। हाँ, हर जगह अलग अलग बनता है। हाँ। एक ही बर्थ होता है लेकिन कितने नियम होते हैं। हम लोग क्या अभी बनता था जो टापूरी तो बोली थी मम्मा की नहीं होता कड़ा पाना से यह। Yeah, so.